ले जाना है, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जिसकी वजह से ये काले पड़ जाते हैं, चिपकते हैं। तो देखिए कितना ये ऊपर एक लेयर आ जाती है जब अभी भी हम आलू को भिगोते हैं स्टार्च की। अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, उसके बाद अब हम तैयारी करेंगे चिप्स की। तो चिप्स काटने के लिए सबसे पहले एक बड़ी बोल में मैंने पानी भर के रख लिया है और एक मैंने कद्दू का ले लिया है जिससे कि मैं सारे आलू कसूंगी। और इसके साथ ये है फिटकरी जो कि मैंने थोड़ी सी पीस ली है, इस तरह से आती है किसी भी ग्रोसरी किराना स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। और एक बड़े भगोने में पानी भर कर मैंने ये फिटकरी उसमें मिला दी है। फिटकरी के पानी में चिप्स बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल सफ़ेद रहती हैं और उनमें कोई जैसे लाल या काला रंग बिल्कुल भी नहीं आता है। अब देखिए आलू की जिस तरह से आपको शेप लेनी है चिप्स की, उसी तरह से पकड़िए और चिप्स को कसना स्टार्ट कर दीजिए। जब चिप्स को कसेंगे तो कसते टाइम ये जो है पानी नहीं रहेंगी, जिससे बिल्कुल भी इनके काले पड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। और चिप्स जब भी काटें ना तो मोटी हो ना पतली हो, बीच का साइज़ दीजिए और थोड़ा